लीज डी का उल्लंघन होने पर प्रशासन ने किया रणजीत क्लब का अधिग्रहण। परिसर में बने अवैध होटल को जेसीबी से ढहाया गया। कलेक्टर ने कहा जल्दी ही प्रारंभ की जाएगी खेल गतिविधियां जिसमें जनता कर सकेगी सीधी भागीदारी। बड़वानी जिले में चल रहे सुशासन अभियान के तहत अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई है। इस कार्यवाही के तहत लीज डीड का उल्लंघन करने पर जहां रणजीत क्लब का अधिग्रहण किया गया है, वहीं परिसर में बने अवैध होटल को भी जेसीबी के माध्यम से ढहाया गया है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि जल्दी ही प्रशासनिक समिति का गठन कर रणजीत क्लब में खेल गतिविधियां प्रारंभ करवाई जाएगी जिसमें आम जन भी सहजता से खेल गतिविधियों में भाग ले सकेगा। गुरुवार को कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल के निर्देशन में एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनागर, एसडीओपी सुश्री रूपरेखा यादव, नगर पालिका सीएमओ श्री कौशल सिंह डोडवे के द्वारा प्रातः 11 बजे से रणजीत क्लब को अधिग्रहण करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम मुख्य भवन के विभिन्न कक्षों एवं परिसर में प्रवेश के सभी द्वार तथा बैडमिंटन हॉल, स्विमिंग पूल, जिम को ताले से सील करवाते हुए अधिग्रहित किया गया। तत्पश्चात जेसीबी के माध्यम से परिसर में निर्मित अवैध होटल को ढहाया गया। देर शाम तक चली इस कार्यवाही में राजस्व, पुलिस, नगर पालिका के 100 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया। शाम को कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल ने भी पहुंचकर कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्लब के मुख्य द्वार पर पुलिस की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करवाई जाए जिससे अनाधिकृत रूप से कोई भी क्लब परिसर में प्रवेश न करने पाए। इस दौरान अधिकारी द्वय ने ढहाए गए होटल परिसर के मलबे को भी हटाने का निर्देश नगर पालिका को दिया जिससे जल्दी से जल्दी क्लब परिसर में विभिन्न खेल गतिविधियां प्रारंभ करवाई जा सके। रंजीत क्लब को अधिग्रहण किया गया है और साथ ही जो कैंटीन थी वहां पर उसको भी जमींदोज किया गया है। रंजीत क्लब के बारे में कल मेरे न्यायालय से एक ऑर्डर हुआ था, उसमें जो शासकीय जो भूमि है उस पे इनके द्वारा लीज का नवीकरण नहीं कराया था और 2001 में लीज समाप्त होने के बाद में भी उस पे अवैधानिक रूप से कब्जा किए होते। उसमें जो भूमि लीज दी गई थी वो खेल गतिविधियों के लिए सार्वजनिक प्रयोग भी दी गई थी, परंतु उस जमीन पर कमर्शियल व्यवसाय किया जा रहा था जिसमें व्यवसायिक काम में लोगों ने दुकान भी बना रखी थी। यहाँ पर रेस्टोरेंट बना करके निवास बना करके लोग रह रहे थे। वहाँ पे जुए और सट्टे वाली कार्रवाइयाँ वहाँ पे चलती थी, ढेर सारी अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही थी। उसको नजर मद्देनजर रखते हुए कल मेरे न्यायालय से आदेश हुआ शासकीय भूमि का जो अवैधानिक रूप से कब्जा किया उनको बेदखल किया जाए और आज प्रशासनिक जो टीम है हमारी एसडीएम के नेतृत्व में उसका शासन में कब्जा लिया गया है। उस जमीन में जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए खेल गतिविधियाँ हो सकती हैं उसके लिए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बना करके उसका सार्वजनिक जो प्रयोग हो सकता है उसके लिए हम उपयोग के लिए कार्रवाई करेंगे।